कांग्रेस ने चुनाव मीटिंग का आयोजन किया था जिसे रद्द कर दिया गया। इस बात पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को अड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस पार्टी के 16 साल से हरियाणा में चुनाव नहीं हुए, क्या उसे पार्टी स्वीकार किया जा सकता है। वास्तव में चुनाव आयोग को इनकी मान्यता रद्द करनी चाहिए और उनका सिंबल सीज करना चाहिए। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं बल्कि ये तो ग्रुप है। कहीं बापू बेटा है, कहीं सुरजेवाला है, कहीं शैलजा है, जो आपस में लड़ रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सब्जी मंडी में आड़ती आकर मोल भाव करता है, वहीं हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव में गठबंधन का ऐलान किया है, जिसको लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। विज ने कहा कि इन चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो चुकी हैं, मुकाबला सिर्फ और सिर्फ मुख्य पार्टियां यानी दो पार्टियों के बीच है। अब यहां कोई भी किसी के साथ गठबंधन करे इसका कोई महत्व नहीं है। चुनाव हो रहे हैं, खेलना तो सभी ने है, जैसा भी खेले। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वे दोबारा भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, जिसे लेकर विज ने हंसते हुए कहा कि हम भी कहां कर रहे हैं, हम तो चुनाव अकेले लड़ रहे हैं। जिस पार्टी के 16 साल से हरियाणा में चुनाव नहीं हुए, क्या उसको पार्टी स्वीकार किया जा सकता है। वास्तव में तो चुनाव आयोग को हरियाणा में इनकी मान्यता रद्द करनी चाहिए, इनका सिंबल फ्रीज कर देना चाहिए। ये तो है, ग्रुप है, परिवार है, कहीं बापू बेटा एंड कंपनी है, कहीं सुरजेवाला जी हैं, कहीं पर शैलजा जी हैं, तो ये तो आपस में लड़ रहे हैं। जैसे सब्जी मंडी देखी आपने कभी, सब्जी मंडी में आरती आकर करते हैं और गा गा के खड़े होते हैं, तो वैसे जैसे वहाँ भाव तोल होता वो होता है। देखिए अब जो चुनाव हो रहे हैं, अब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो लगभग खत्म हो चुकी है। अब जो चुनाव है हरियाणा में ये मुख्य पार्टियों में ही है, दोनों में, तो अब उनका कोई महत्व नहीं है। कोई किसी से करे कोई ना करे, चुनाव हो रहे हैं तो खेलना तो है ही, सबने जैसे भी खेले हो। तो हम कहाँ कर रहे हैं, हम तो अकेले लड़ रहे हैं। कांग्रेस की लगातार टिकटों के जो मंथन है उसको लेकर बैठकें रद्द होती जा रही हैं। आज भी केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक थी